आगरा कैंट से विधायक जीएस धर्मेश को भी मंत्रिमंडल में आज जगह मिलने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद विधायक जीएस धर्मेश जी। सर, आप आगरा से हैं और आगरा को इस बार प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, आपके जरिए आप इस बार कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह से आप पहले रिएक्ट करेंगे कि आगरा को लेकर खासतौर पर जिस तरह के सवाल उठ रहे थे कि आगरा से जरूरत थी, इस बार आपको मौका मिला है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो आज हम लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो भी जिम्मेदारी मेरे को मिलेगी, मैं सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता के अंदर बीच में ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। और सरकार ने 2.5 साल के अंदर जो कार्य किए हैं वो सरकार जनता उससे खुश है, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं भी जनता की जो आकांक्षा है उन पर खरा उतरूं। अच्छा दबेश जी, आपको उम्मीद थी क्या कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होने जा रहा है, कयास लग रहे थे बहुत दिन से, तो आपको क्या लग रहा था कि उम्मीद थी कि ऐसा कुछ कॉल आएगा, आपको मौका मिल पाएगा? नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं थी। और जब मेरे पास 18 तारीख को कॉल पहुंचा कि आपको रहना है, वो एक दिन विस्तार टल गया तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल और है आगरा को लेकर, खास करके कहते हैं दलितों की राजधानी है, उस आकाश को आप यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारियाँ आगरा के लिए खासकर बढ़ जाएंगी? ये बात बिल्कुल सही है कि मैं दलित समाज से आता हूँ, जाटा समाज से आता हूँ, और आगरा एक दलितों की राजधानी है। जो नागपुर है उसके बाद में सबसे ज़्यादा आबादी आगरा जिले के अंदर है, और मेरा प्रयास होगा कि जो दलित समाज है और विशेष रूप से जाटा समाज, मैं उसको पार्टी से जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं वैसे सभी समाज के लिए काम करूंगा, ये अलग बात है, लेकिन जो मुझसे अपेक्षा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मैं उसे प्रयास करूंगा कि लोगों को जोड़ूं पार्टी। आखिरी सवाल है कि आप इसके लिए किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने जितने केंद्रीय और प्रदेश का जो नेतृत्व है सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो ये है जीएस धर्मेश, आगरा से विधायक हैं, इनको इस बार कैबिनेट में मौका मिल रहा है और बड़ी इस बात को लेकर खुश भी हैं कि आगरा का प्रतिनिधित्व करने का इन्हें मौका मिलेगा, और उनका मानना है कि जो सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार जो भी निभाएगी उसे बखूबी निभाएंगे भी। कैमरामैन जी पी उपाध्याय के साथ मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।